पूरा घर रो रहा है, चीख पुकार के साथ मानो आंसुओं का सैलाब सा आ गया है। क्या बच्चे क्या बूढ़े, महिलाएं भी बस एक ही नाम ले रही हैं, गुड्डू। कौन है ये गुड्डू? आखिर गुड्डू को लेकर इतनी हाय तौबा क्यों मची है? क्या हो गया गुड्डू को? ये तमाम बातें जानेंगे, लेकिन पहले एक बात जो मन में आ रही है वो ये कि हर दुख का कारण इन ग्रामीण इलाकों में पैसा ही नजर आता है। ये पैसा इतना बड़ा हो चुका है कि उसके आगे जिंदगी भी छोटी होती जा रही है। जिस गुड्डू के लिए इतना तूफान मचा है, दरअसल उसके पीछे भी पैसा ही है। बताया जा रहा है कि 21 साल का गुड्डू लापता है। बगैर बताए वो घर से चला गया, कहां ये किसी को नहीं मालूम। आप बताओगे गुड्डू को? सुबह 9 बजे मैं गुरुवार का जाग कारण लापता हो गया। ये 1 लाख परेशान चलिए आप लग कहाँ दे पाएंगे हम इतना, इसीलिए चलेगा। बच्चा भागी गली घर से, नहीं पता जाए मेरा कौन। मामला कोढ़ा थाना क्षेत्र के पीरगंज का है, जहां 27 साल का गुड्डू कुमार ठाकुर गुरुवार से लापता है। गुड्डू के भाई सोनू कुमार ने कोढ़ा थाने में आवेदन देते हुए कहा है कि उसके भाई ने स्थानीय साहूकार से कर्ज लिया था। कर्ज लौटाने को लेकर साहूकार का काफी दबाव था। उसे आशंका है कि कर्ज के दबाव में गुड्डू कुमार ठाकुर घर में बगैर किसी को बताए रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। 3 दिन से लापता गुड्डू का अब तक कोई सुराग नहीं है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, घर वालों की चिंता बढ़ती जा रही है। उनका रो रो कर बुरा हाल है। डर इस बात का भी सता रहा है कि कहीं गुड्डू के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई, कहीं कर्ज के चक्कर में गुड्डू ने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिए, या फिर साहूकार ने तो कुछ नहीं कर दिया। फिलहाल कुछ भी कहना और सोचना ठीक नहीं है, लेकिन आशंकाओं का क्या ही किया जा सकता है। फिलहाल कोढ़ा थाना अध्यक्ष ने मामले को गंभीरता से लेते हुए गुड्डू कुमार ठाकुर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली है और तलाशी तेज कर दी है। लेकिन इन सबके बीच एक सवाल जो खड़ा हो रहा है वो है साहूकारी का। पैसे लेकर ना चुकाने की स्थिति में क्या साहूकार इतना दबाव डाल देते हैं कि लोग लापता हो जाएं? पैसा देने के बाद वसूली का कोई दूसरा तरीका नहीं है जिससे कम से कम ऐसी तस्वीर लोगों के सामने ना आने पाए? टाइम्स न्यूज़ डेस्क, कटिहार।